हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी की, जो 14 अप्रैल को हुई है। ये सबसे बड़ी इस बात की खुशी है कि इन्होंने अपनी शादी को पब्लिकली सेलिब्रेट किया है, जो कि आजकल बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। वेल, इन्होंने एटलीस्ट अपनी जो फ़ोटोज़ हैं और वीडियोज़ हैं वो शेयर की हैं और पब्लिक को दिखाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी जो पूरी सजावट है वो ओरिगामी, यानी कि जो जैपनीज़ पेपर वर्क का आर्ट है, उससे की गई है। और ऐसे लग रहा था कि जैसे ड्रीम, ये बहुत सारे लोगों ने इस तरह कहा है कि ड्रीम लग रहा है, कि ड्रीम है बिल्कुल। यहाँ पर वो बहुत ही खुश नज़र आ रही हैं अपने फ्रेंड्स और कज़न्स के साथ। और सुनने में ऐसे आया है कि सिर्फ बहुत ही कुछ ही लोगों को बुलाया हुआ था, 24 करके कुछ लोगों को बुलाया हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं कि खुशी की इंतहा नहीं है इनकी, मतलब इतने खुश नज़र आ रहे हैं, सारी की सारी बतीसी नज़र आ रही है। दे वर वेरी वेरी हैप्पी। हम क्या कह सकते हैं भाई, उन्होंने बहुत सी ट्राइज की हैं, बहुत से लोगों को डेट किया है, लेकिन आखिर में वो एक दूसरे को ही मिल गए। ये आप देख सकते हैं कि कितनी क्यूट पिक्चर है। रणबीर कपूर ने अपने हाथ पर आलिया का नाम भी लिखवाया है मेहंदी से, और आलिया बहुत ही खुश नज़र आ रही हैं। बहुत सब्यसाची ड्रेस इन्होंने पहना है और ज्वेलरी तो बिल्कुल गजब की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीता सिंह और रणबीर कपूर कितने खुशी से, और पीछे करीना कपूर, करिश्मा कपूर जो हैं वो डांस कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। इन पे ये रेड जो जोड़ा है वो थोड़ा फेमिनिन टच दे रहा है, बट फिर भी बहुत अच्छा लगा है क्योंकि उन्होंने अपनी दुल्हन से भी मैच किया है। और यहाँ पर वो उनको उनके माथे पे सर पर किस कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने अपनी जो पिक्चर्स हैं वो इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत ही लोग खुश हुए हैं, क्योंकि इस शादी का बहुत लोगों को इंतज़ार था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रणबीर कपूर ने अपने डैड की पिक्चर, ऋषि कपूर जिनकी डेथ हो गई थी कुछ ही साल पहले, बल्कि बहुत ही रिसेंटली इनकी डेथ हुई है कैंसर की वजह से। इंग्लैंड में इलाज भी करवा रहे थे लेकिन नहीं, मतलब ठीक हो सके और उनकी डेथ हो गई। थोड़ा सैड है इस पार्ट पे, बट या उन्होंने अपने बाप के पिक्चर मेहंदी में नुमाया की है। बात करते हैं आलिया भट्ट की, तो आलिया भट्ट जो है वो सोनी राजदान और महेश भट्ट की बेटी हैं, और ये बहुत ही छोटी, मतलब एज से ही इन्होंने फिल्म में ट्राई आउट्स और काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत हैं। इनकी मदर जो हैं वो कहा जा रहा है कि वो ब्रिटिश इंडियन हैं, जो कि एंग्लो इंडियन टाइप हैं, और महेश भट्ट जो हैं वो उनको बहुत, मतलब महेश भट्ट एक्चुअली प्ले बॉय टाइप के आदमी थे, और उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को और औरतों को डेट किया है, और सोनी राजदान के साथ बहरहाल उन्होंने आलिया भट्ट जैसी बेटी को जन्म दिया। इनके विकिपीडिया पे इनके लिए कहा जा रहा है कि ये ब्रिटिश सिटीज़न है, लेकिन इनका जन्म जो है, इनका बर्थ जो है वो मुंबई इंडिया में हुआ है। और जो ये देख लें, यहाँ पर सोनी राजदान हैं और महेश भट्ट साहब हैं, अच्छे लग रहे हैं। महेश भट्ट जो हैं वो इस शादी से कोई बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं थे, ना ही वो चाहते थे कि उनकी बेटी इतनी जल्दी शादी कर ले, क्योंकि जो रणबीर कपूर हैं वो 39 ईयर्स ओल्ड हैं और आलिया भट्ट जो हैं वो सिर्फ अभी 29 की हैं। तो इनके फादर ने इनको चौथा जो फेरा है वो भी नहीं लेने दिया, क्योंकि 7 फेरों के बारे में मैं एक और वीडियो करूँगी, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि हर एक फेरे का क्या मतलब होता है। लेकिन जो फेरा जिसमें प्रॉमिस किया जाता है अपने पति से के वो हर एक बात उनकी मानेंगी, उनसे पूछ के करेंगी, वो उन्होंने नहीं लिया। यहाँ पर देख सकते हैं कि सोनी राजदान जो हैं वो कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये उनकी जवानी की तस्वीर है, जब आलिया भट्ट जो हैं बिल्कुल छोटी बेबी थी। और या सोनी राजदान मुझे याद पड़ता है कि मैंने भी इनकी कुछ मूवीज़ देखी हुई हैं अपने बचपन में।
ये भी सोनी राजदान है जब वो यंग थी और महेश भट्ट जब वो यंग थे। बहुत ही खूबसूरत है सोनी राजदान, शी एक्चुअली लुक्स लाइक वाकई ब्रिटिश एंग्लो इंडियन ही लगती हैं। और महेश भट्ट साहब जो हैं वो तो बहुत फेमस हैं कास्टिंग काउच के लिए, जिसकी बात हम किसी सेपरेट वीडियो में करेंगे कि वो क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महेश भट्ट की बेटी, छोटी बेटी आलिया भट्ट बहुत ही क्यूट थी बचपन में। ये उनकी बचपन की तस्वीर है अपने डैड के साथ। यहाँ पर वो एक साइड पे बचपन में अपने डैड के साथ और वो दूसरी साइड पर वो जवान होकर उन्होंने फनी पोज बनाया हुआ है कैमरे का अपने डैड के साथ। महेश भट्ट की दो बेटियाँ हैं, पूजा भट्ट और आलिया भट्ट, और बहुत ही दोनों ही बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ पर साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रहे हैं सोनी राजदान का जो कि ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है और आलिया भट्ट का जो कि कलरफुल पिक्चर है। बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है इन दोनों की माँ बेटी की और बहुत ही खूबसूरत फीचर्स हैं, मासूमियत बहुत ज़्यादा है। ये एक और पिक्चर आ रही है, यहाँ पर सोनी राजदान लेफ्ट साइड पर हैं और आलिया भट्ट दूसरी साइड पर हैं और बहुत ही ज़्यादा रिजेम्बलेंस है और बहुत खूबसूरत दोनों के फेस हैं, बहुत इनोसेंट लुक है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि महेश भट्ट का एक और भी स्कैंडल था जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को पब्लिकली, पूजा भट्ट जो है बड़ी वाली बेटी, उनको पब्लिकली ऐसे किस किया था। और इसके दो पहलू हो सकते हैं, एक नॉर्मल चीज़ है कि वो अपनी बेटी को किस कर रहा है, दैट्स फाइन, और दूसरा हम इंडिया पाकिस्तान के कल्चर में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता इसलिए इसका स्कैंडल बना। यहाँ आपको बताते चलें रणबीर कपूर के बारे में थोड़ा सा कि रणबीर कपूर 39 ईयर्स ओल्ड हैं। इन्होंने बहुत सारी एक्ट्रेसेस को डेट किया है जिसमें दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ और बहुत सारी अदर लड़कियां भी शामिल हैं, सोनम कपूर भी शामिल हैं। और ये इनसे माना जाता है कि ये काफ़ी बदतमीज टाइप के इंसान हैं और इन्होंने वाल जवानी में काफ़ी बदतमीजियाँ की हैं एक्ट्रेसेस के साथ। और यहाँ पर इनकी फ़र्स्ट एंट्री सांवरिया से हुई जो कि सोनम कपूर के साथ थी। ये कुछ मूवीज़ हैं आलिया भट्ट जी की जिन्होंने सड़क टू स्टूडेंट ऑफ द ईयर और इस तरह की मूवीज़ में, कलंक इनकी बहुत मशहूर मूवी रही है, और रिसेंटली इन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म की है गंगूबाई काठियावाली, जिन जहाँ से इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला है, सुपर जिसे सक्सेस कहते हैं ना, मतलब संजय लीला भंसाली ने इनको लॉन्च कर दिया है इस तरह का इनके करियर को। और मुझे नहीं पता चला कि इनको क्यों कास्ट किया गया इतने ज़्यादा हैवी रोल के लिए, बट या इनको कास्ट किया गया और बहुत सक्सेसफुल रही है मूवी। मेरे हिसाब से थोड़ी सी भारी एक्ट्रेस को लेना चाहिए था, ये बिल्कुल यहाँ बहुत ही यंग और इनोसेंट लग रही हैं, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा सिलेक्शन था, बट एनीवेज मूवी और कैरेक्टर बहुत हिट हुआ है। अब बात करते हैं आलिया भट्ट की नेटवर्थ की। उनका नेटवर्थ $10 मिलियन है जो कि तकरीबन करोड़ों के हिसाब से है इंडियन रुपीज़ में, 74 करोड़ तक है जो कि बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं हम रणबीर कपूर की नेटवर्थ की, तो वो $45 मिलियन है जो कि बहुत ज़्यादा, 322 करोड़ इंडियन रुपीज़ तक है जो कि आलिया भट्ट से काफ़ी ज़्यादा है। बट ये दोनों जोड़ा जो है 10 मिलियन प्लस 45 मिलियन $55 मिलियन के साथ ये अपनी लाइफ शुरू कर रहे हैं और आगे बहुत पैसा बनाएंगे। हमें इनकी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश उम्मीदें हैं और चाहते हैं कि सक्सेसफुल हों और इनकी जोड़ी भी बनी रहे। KRK ने एक रिव्यू डाला है जिसमें कहा गया है कि इनको शायद ये डिवोर्स में एंड होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना हो, हम तो चाहते हैं कि ये इकट्ठे रहें और हमेशा खुश रहें। बेस्ट ऑफ लक रनालिया विच इज़ रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय।